तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ एक गेम शेयर करने वाला हूँ और ये गेम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आपका मैंने समय लेते हुए आज वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एट फर्स्ट आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा का पूरा देख लीजिएगा, फिर आप डिसाइड करना कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्हाइट पीएस के साथ खेल रहे हैं मैग्नस कार्लसन और उनके ओपोनेंट है वनिश गिरी, जो कि ब्लैक पीएस के साथ खेल रहे हैं। और ये मैच दोस्तों खेला गया था चेस 24 लेजेंड ऑफ चेस टूर्नामेंट में, और ये मैच दोस्तों जुलाई 21, 2020 में खेला गया था, और ये दोस्तों गेम 2 है। तो चलिए आपका बैठने समय लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैग्नस कार्लसन ने ओपन किया विद द मूव d4, उसके बाद knight 2, f6, उसके बाद c4, उसके बाद e6, knight 2, f3, उसके बाद d5, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, उसके बाद knight to c3, उसके बाद bishop to b4, उसके बाद bishop to g5, उसके बाद h6, bishop back to d2, उसके बाद कैसल कर लिया ब्लैक ने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक अनयूजुअल मूव दिया मैग्नस कार्लसन ने g4, उसके बाद नाइट कैप्चर ऑन g4 अगर खेला जाता तो यहाँ पर से सिंपली rook to g1 दिया जाता, उसके बाद अगर h5 तो h3, उसके बाद अगर नाइट अगर बैक करता सपोज knight to f5 तो उसके बाद सिंपली bishop to h6, और दोस्तों ब्लैक के ऊपर प्रेशर मेंटेन रहता। और अगर आप सोच रहे हो कि knight to e8 होता तो क्या होता, तो उसके बाद सिंपली क्वीन के ऊपर अटैक होता बिशप से, bishop to g5। और अगर ये क्वीन हटता यहाँ पर से सपोज queen d7 पर हटा तो उसके बाद knight to e5, उसके बाद queen to d6, उसके बाद c5, उसके बाद अगर queen to e6 तो उसके बाद सिंपली e3, और दोस्तों ब्लैक के ऊपर प्रेशर मेंटेन रहता और ये पोजीशन पे दोस्तों वाइट सिंपली बेटर हो जाता। और अगर आप सोच रहे हो कि इस पोजीशन पे ब्लैक अगर इस नाइट को अगर f5 पे लाएगा तो क्या होगा, तो उसके बाद सिंपली बिशप कैप्चर ऑन h6 आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये g7 का पॉन पिन है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे गेम में क्या खेला गया था। इस पोजीशन पे दोस्तों अनिश गिरी ने दिए थे बिशप कैप्चर ऑन c3, उसके बाद मैग्नस कार्लसन ने दिए थे बिशप कैप्चर ऑन c3, उसके बाद knight to e4, उसके बाद queen to c2, उसके बाद c5, पॉन कैप्चर ऑन c5, उसके बाद pawn to b6, उसके बाद g5। और दोस्तों अभी आइडिया है, ये नाइट से अगर कैप्चर करेगा तो ये g5 पूरा ओपन हो जाएगा, तो ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस पोजीशन पे दोस्तों उन्होंने पॉन से कैप्चर किया था, h कैप्चर ऑन g5, उसके बाद h4। अब दोस्तों मैग्नस कार्लसन का आइडिया है कि ये h5 को ओपन करेंगे, लेकिन इस पोजीशन पे दोस्तों उन्होंने पॉन प्यूस दिया था ब्लैक ने, पॉन टू g4, उसके बाद knight to g5, उसके बाद a5, bishop to g2, उसके बाद पॉन कैप्चर ऑन c5, उसके बाद वाइट ने कैसल कर लिया, उसके बाद नाइट कैप्चर्स ऑन g5, पॉन कैप्चर ऑन g5, क्वीन कैप्चर ऑन g5, उसके बाद चेक पड़ा है, तो इसी वजह से दोस्तों मैग्नस कार्लसन ने अपने किंग को हटा दिया। अभी दोस्तों ऑप्शन ऑब्वियसली कि bishop to d2, लेकिन उन्होंने ये ऑप्शन को ना चूज करते हुए उन्होंने दिया था king to b1, उसके बाद knight to d7, और दोस्तों c कैप्चर ऑन d5। और दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये पॉन से अगर कैप्चर करेगा तो क्या होगा, सपोज e कैप्चर ऑन d5, तो उसके बाद सिंपली bishop कैप्चर ऑन d5। और दोस्तों अभी दोस्तों चेक है, उसके साथ ही साथ एक रुक के ऊपर अटैक है,
और ये किंग कहीं पर भी नहीं हट सकता है, सो ब्लैक को तो अपना एक रुक तो देना ही पड़ेगा, तो ये पोजीशन तो सो अनप्लेबल हो जाता। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे गेम में क्या खेला गया था। तो हमारे गेम में दोस्तों इस पोजीशन पे खेला गया था Nb6, उसके बाद पॉन कैप्चर ऑन e5, उसके बाद बिशप कैप्चर ऑन e6, उसके बाद बिशप कैप्चर ऑन a8, उसके बाद रुक कैप्चर ऑन a8, क्वीन टू d2, और इसके बाद दोस्तों दिया गया था क्वीन टू g6, उसके बाद क्वीन टू d6, उसके बाद दिया गया था दोस्तों f4, उसके बाद किंग टू a1। और दोस्तों इस पोजीशन पे आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि इस पोजीशन पे ऐसा कौन सा मूव है जिससे आप ब्लैक को चेकमेट कर सकते हो विद इन 4 मूव्स में। और दोस्तों इस पोजीशन पे दिया गया था रुक टू f8। तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि इस पोजीशन पे आप कैसे मेट इन 4 कर सकते हो ब्लैक को। तो रेडी, इस पोजीशन पे दोस्तों जो बेस्ट मूव है वो है रुक टू h8, उसके बाद अगर किंग कैप्चर तो नहीं h, क्योंकि यही दोस्तों एक ओनली ऑप्शन है, उसके बाद क्वीन कैप्चर तो ऑन f8, उसके बाद अगर बिशप टू g8, तो उसके बाद सिंपली रुक टू h1 चेक, उसके बाद क्वीन हैव टू ब्लॉक, उसके बाद और कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर से आप सिंपली बिशप कैप्चर ऑन g7 कर सकते हो या फिर क्वीन कैप्चर ऑन g7, फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, ब्लैक चेकमेट होगा ही होगा। लेकिन हमारे गेम में ये नहीं खेला गया था क्योंकि दोस्तों मैग्नस कार्लसन भी एक ह्यूमन है, उन्होंने इसे मिस कर दिया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे गेम में क्या खेला गया था। तो हमारे गेम में दोस्तों इस पोजिशन पर मैग्नस कार्लसन ने दिए थे क्वीन टू e5, उसके बाद g3, उसके बाद h कैप्चर ऑन g3, उसके बाद नाइट टू c4 अटैकिंग द क्वीन, उसके बाद क्वीन टू h5। मैग्नस कार्लसन ने दोस्तों क्वीन ट्रेड का ऑफर दिया जिसे अनिश गिरी ने हैप्पीली एक्सेप्ट किया। क्वीन कैप्चर ऑन h5, उसके बाद रुक कैप्चर ऑन h5, उसके बाद नाइट टू e3 अटैकिंग द रुक, उसके बाद रुक टू g1, उसके बाद बिशप टू f5, उसके बाद b3, उसके बाद g3, उसके बाद रुक कैप्चर ऑन g3, उसके बाद बिशप टू g4 अटैकिंग द h5 रुक, उसके बाद रुक टू c5, उसके बाद रुक टू f1, किंग टू b2, नाइट टू d1, उसके बाद किंग टू a3, नाइट कैप्चर ऑन c3 और रुक कैप्चर ऑन g4। और दोस्तों रुक कैप्चर ऑन g4 मूव के बाद अनिश गिरी ने रिज़ाइन दे दिए थे क्योंकि वैसे ही दोस्तों वो लो ऑन टाइम थे और उसी के साथ ही साथ दोस्तों इस पोजीशन पे और कुछ भी में मूव नहीं है खेलने के लिए। तो अगर आप सपोज यहाँ पर से नाइट टू e2 अगर खेलते हो तो सिंपली रुक टू c8 चेक, उसके बाद किंग टू h7 और रुक टू c7, और आपका दोस्तों एक पॉन चला जा रहा है, बेसिकली आपका दोनों ही पॉन चला जाएगा। और वैसे ही दोस्तों मैग्नस कार्लसन एक्सचेंज ऑफ है तो ये पोजीशन दोस्तों अनप्लेबल होता, तो इसी वजह से ही दोस्तों इस पोजीशन पे अनिश गिरी ने रिज़ाइन दे दिए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ये तीनों चीज़ कर दीजिएगा। और दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो पीस आउट एंड जय हिंद, वंदे मातरम।